मोशन पटना में भी आ चुका है और यह की फर्स्ट मिरेकल मशीन जिसको हम बोलते हैं AI बेस्ड सिस्टम मशीन है जो बच्चों को उनकी कमी के हिसाब से होमवर्क बनाकर देती है। रवि सर इस वीडियो में जानकारी देंगे। मोशन का मिरेकल मशीन क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब चीजों के बारे में सर बताने वाले। अगर बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं 10% उनको डिस्काउंट मिलेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। पटना बिहार के लोग वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं, तो इनिशियल कुछ बच्चों के लिए हम इनिशियल अभी 50% का डायरेक्ट स्कॉलरशिप देते हैं उन बच्चों को जो कोटा सिस्टम से पढ़ना भी चाहते हैं और इकोनॉमिकल उनको कुछ चैलेंजेस भी हैं, उनके लिए हम डायरेक्ट 50% का स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं अभी अगले कुछ दिनों तक। हमने बहुत मेहनत किया, 7 साल लगाया, R&D किया और एक AI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किया जिसमें बच्चे को हम उसकी कमियों को पढ़कर हर बच्चे को डिफरेंट पेपर दे पाते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर फिलोलॉजी में और आज हम लोग पहुंच चुके हैं मोशन इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी को पता है मोशन कोटा का भरोसा अब पटना में भी आ चुका है और इसका जो लोकेशन होने वाला है वो काफ़ी प्राइम होने वाला है। अभी हम लोग खड़े हैं, इसकी पूरी रोड है सहदेव महतो मार्ग है, अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो आपको बीकानेर स्वीट्स दिखेगा, तो सामने में आपको बीकानेर स्वीट्स है और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में ये आपको इंस्टीट्यूट होता है। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं मोशन पटना के तरफ। देखिए इंडिया में 95% बच्चों को सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, 5% बच्चा ऐसा होता है जो सेल्फ एनालिसिस करके सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन जो 95% बच्चा है वो मेहनत बहुत कर रहा होता है, उतने ही घंटे पढ़ रहा होता है जितना टॉपर पढ़ रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसके पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, कम आ रहे होते हैं जिससे वो डिप्रेस हो जाता है, फिर उसका धीरे धीरे पढ़ना कम कर देता है और वो फेलियर की तरफ या असफलता की तरफ बढ़ जाता है। राइट, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एक बहुत बेहतरीन सिस्टम हमने निकाला है यहाँ पे मोशन ने, उसमें हम क्या काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। मान लीजिए आपने 10th क्लास का एग्ज़ाम लिया होगा या 12th का एग्ज़ाम दिया होगा या कॉलेज का एग्ज़ाम दिया होगा, जब आप 10th में क्लास में थे और आपकी क्लास में 40-50 बच्चे रहे होंगे तो क्या हर बच्चे को समान पेपर मिलता था, एक जैसा पेपर मिलता था या अलग अलग पेपर मिलता था? सेम पेपर मिलता था। तो क्या हर बच्चे की प्रॉब्लम भी सेम होती है? नहीं सर, हर बच्चे की प्रॉब्लम सेम नहीं होती है लेकिन पेपर सेम मिलता है। तो क्या जिस बच्चे को समस्या उसकी समस्या का समाधान मिला? नहीं मिला। जब समस्या का समाधान नहीं मिला तो वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। राइट, अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, जब बच्चा इम्प्रूव नहीं कर पा रहा तो उसकी प्रॉब्लमें बढ़ती जा रही हैं। अब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर में हो क्या रहा है समझिए, हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है। मान लीजिए अपन 4 लोग डॉक्टर के पास गए और हम सबको बुखार है, तो हो सकता है डॉक्टर हर पेशेंट को अलग अलग दवा सजेस्ट करे एज पर हर या हिज सिम्टम्स, जो उसकी सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से उसको दवा दी जाती है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में ऐसा नहीं है, हर बच्चे को सेम लेवल पे ट्रीट किया जाता है और लेकिन हर बच्चे की प्रॉब्लम डिफरेंट है और ट्रीटमेंट सेम किया जाता है और डिफिकल्ट, जब सिम्टम डिफरेंट है तो ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या 7 साल लगाया, मोशन ने बहुत मेहनत किया, 7 साल लगाया, R&D किया और एक AI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किया जिसमें बच्चे को हम उसकी कमियों को पढ़कर हर बच्चे को डिफरेंट पेपर दे पाते हैं। अब वो कैसे दे पाते हैं आप वो समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मैं एक बच्चा हूँ, मैं घर पे प्रैक्टिस करता हूँ और मैं घर पे कुछ गलती कर रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूँ, तो क्या कोचिंग में बैठे हुए टीचर को ये पता लग पाएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ? नहीं लग पाएगा। क्या कोचिंग में बैठा टीचर ये याद रख पाएगा कि मैं आने पिछले 6 महीने में किस सब्जेक्ट में किस सब टॉपिक में मैंने क्या क्या गलतियाँ करें? वो याद नहीं रख पाएगा, लेकिन मशीन लर्निंग या AI बेस्ड सिस्टम उसको याद रख सकता है। जब उसको याद रखता है और 3 महीने बाद मैं वापस उसी टॉपिक पे जाता हूँ और मैं अपने मशीन लर्निंग से पेपर निकालता हूँ, मान लीजिए मैंने काइनेमेटिक्स का पेपर निकाला, तो मैंने पिछले 3 महीने में काइनेमेटिक्स में जो जो मिस्टेक्स करी हैं उन मिस्टेक्स के ऊपर डिपेंड करके मेरा पेपर बनकर आएगा और मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर बच्चे को उसकी कमी के हिसाब से मिलेगा। इसे हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड होमवर्क, हर बच्चे का सेम टॉपिक पर डिफरेंट होमवर्क मिलने वाला है। जब बच्चा अपनी कमियों पे काम करेगा तो उसकी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ज्यादा है या कम है? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है, और पेरेंट्स ने एक बच्चे को हमारे पास क्यों भेजा है? सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो वो जब बच्चा अपनी कमियों पे काम करेगा तो हमारा ये मानना है कि बच्चों की सफलता की जो परसेंटेज है वो अपने आप ही बढ़ेगी। और इसी के लिए हमने एक मशीन बनाई है जिसका नाम है दिमाग पढ़ने वाली मशीन, जिसको मिरेकल मशीन भी कहते हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है। ये
मशीन है इंडिया की फर्स्ट मिरेकल मशीन, जिसको हम बोलते हैं एआई बेस्ड सिस्टम मशीन है, जो बच्चों को उनकी कमी के हिसाब से होमवर्क बनाकर देती है। मान लीजिए एक क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं और काइनेमेटिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो काइनेमेटिक पे 70 बच्चों को 70 डिफरेंट टेस्ट पेपर मिलने वाला है। अब उससे हुआ क्या, जब एक काइनेमेटिक्स में 4 सब टॉपिक हो सकते हैं, 5 सब टॉपिक हो सकते हैं, तो हर बच्चे का कुछ अलग सब टॉपिक्स में प्रॉब्लम होता है। और जब मशीन उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि यार एक्स बच्चे का ये सब टॉपिक में वीकनेस है, वाई बच्चे का इस सब टॉपिक में वीकनेस है, तो वो उसी सब टॉपिक के हिसाब से पेपर ड्राइव करती है। और बच्चे का जब पेपर निकल कर आता है, बच्चा उस पर काम करता है, मेहनत करता है, तो उसकी इंप्रूवमेंट आती है, तो सिलेक्शन की गुंजाइश भी बढ़ जाती है और परसेंटेज सिलेक्शन भी बढ़ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ मशीन काम कैसे करती है। देखिए यहाँ लिखा है एंटर रोल नंबर, जब बच्चा इस पर क्लिक करेगा रोल नंबर पे, तो बच्चे का रोल नंबर, मैं एक यहाँ पे डमी रोल नंबर डाल के दिखा देता हूँ, एक ओटीपी आता है बच्चे के मोबाइल पे, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होता है उस पर ओटीपी आएगा। तो मैं यहाँ एक डमी ओटीपी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया बच्चा कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहता है। मान लीजिए मैंने फिजिक्स पे क्लिक किया, सबमिट किया, ये बच्चे का पर्सनलाइज होमवर्क बनकर आ जाएगा। बच्चे की पर्सनलाइज डीपीपी है कि बच्चा अपना घर जाके अपनी कमी के हिसाब से उस पर काम करे। जैसे मैं यहाँ प्रिंट का दबाऊंगा, बच्चे का पेपर प्रिंट होके बाहर आ जाएगा, यहाँ से प्रिंट होके पेपर। तो हर बच्चा अपना पर्सनलाइज होमवर्क निकाल सकता है अपनी कमियों के हिसाब से। और जब इंसान अपनी कमियों पे काम करता है, तो मैं मानता हूँ कि उसमें गुंजाइश की, उसकी सफलता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए तो यही हम डिफरेंट पैडागोजी जो लेकर आए हैं मोशन में, ताकि पटना के बच्चों को भी वो सारी फैसिलिटी मिल पाए जो कोटा के क्लासरूम के बच्चों को मिल रही है। अब बात करते हैं फीस की, तो हमारी फीस सेम वही कोटा फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम सेम जो वैल्यू जो यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं वो सेम रहने वाली है। लेकिन पटना बिहार के लोग वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं, तो इनिशियल कुछ बच्चों के लिए हम इनिशियल अभी 50% का डायरेक्ट स्कॉलरशिप देते हैं उन बच्चों को जो कोटा सिस्टम से पढ़ना भी चाहते हैं और इकोनॉमिकल उनको कुछ चैलेंजेस भी हैं, उनके लिए हम डायरेक्ट 50% का स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं अभी अगले कुछ दिनों तक। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी और भी इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आपका भी कोई क्वेरीज हो, आपको भी कोई डाउट हो, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। बाकी और भी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलोसफी।